सही है, पुश राम राम, पुश इट लिटिल बिट फ्रॉम बिहाइंड। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो हो गया। बढ़िया। मजेदार। बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न होता है ऐसे ऑफ रोड में। फर्स्ट गियर करना पड़ेगा आई थिंक सो, लेट्स सी। ये तो ऐसा है रास्ता कि हर तरफ से मतलब हमेशा जो है कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। ओहो हो, आ जाओ। एक पत्थर लगा अभी, कोई टेंशन नहीं है, एग्जॉस्ट ही है, चलेगा। क्या मस्त वाटरफॉल है, वाव, अमेजिंग अमेजिंग। मजा आ गया, अमेजिंग, बढ़िया लग रहा है। बस वो जो है लगेज पैक कर रहे थे, मतलब गाड़ी के ऊपर लोड कर रहे थे, और देखो ये हमें क्या मिल गया भाई साहब, क्रॉस फायर। क्या दिखता है ना, एकदम खतरनाक। सबसे बढ़िया बात जो बाइक का मुझे लग रहा है कि यार पूरा एल्युमिनियम वाली चैसी है, देखो कितना मस्त नीट सा एल्युमिनियम वाली चैसी है। और ये सारी चीज़ों में जो देखोगे ना, क्वालिटी ही क्वालिटी नज़र आ रहा है। आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ किया गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, द न्यू वीडियो। सो दोस्तों आज जो है डे 4 या 5 है, अब डे भूल गए, कल एक दिन की जो लॉस में सब हम भूल गए। एनीवेज बात यह है कि आज जो फाइनल हम लोग जो है मुस्तांग की तरफ निकल रहे हैं, और आप देखो कि यहाँ पे कितना बढ़िया सा साउंड आ रहा है। देखो बहुत सारे चिड़िया हैं यार, ये चिड़िया वाला जो सीन है ना, ये हमें सिटीज़ में मिलता नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन ट्रैफिक और ये सब इतना ज़्यादा होता है, ये चिड़िया कहीं घूम जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब सुबह सुबह चिड़िया सुनने का। और बचपन में हम लोग जैसे मैं पूरी में था, तब जो है इतना सारा चिड़िया देखने को मिलता था। अब जो दोस्तों ऐसा है कि नदीम और मैं निकल चुके हैं, राम, अभिजीत और अभिषेक जो है आने वाले हैं, मतलब थोड़ी देर में आ जाएंगे। नदीम गए अभी बिल सेटल करने के लिए वहाँ पर, एंड वहाँ पर देखो पीक है, पहाड़ियों की पीक, 15 का थोड़ा जूम एक्सपीरियंस लेंगे हम। ये देखो पहाड़ियों की पीक हो गया जूम, है ना, पैसा वसूल, सही बात, सही बात। बस अब जो है राइड करते हैं, निकलते हैं, भूख बहुत तेज लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो देखते हैं अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, शॉपिंग के निकलेंगे, भूख लग रहा है। स्टीप इंक्लाइन शुरू हो गया यहाँ से, लेकिन बहुत इजी है। फर्स्ट गियर पे मैंने डाला और जो है छोड़ दिया, तो धीरे 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 जो है डिक्लाइन हो रहा है, इंजन ब्रेकिंग के साथ, नो ब्रेक्स यूज्ड। ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग हो गया, थोड़ा सा और कर लेंगे। अच्छा उससे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल पहले ऑफ कर लेते हैं, ऑफ हो गया, चलो। सेकंड गियर में थोड़ा फास्ट जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, इंक्लाइन नहीं। दोस्तों ऑफ रोड शुरू हो गया, देखो इंजन ब्रेकिंग के साथ जाएंगे, ये देखो डिक्लाइन भी है और ऑफ रोड भी है, ये ए, 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 पत्थर भी है और ये पानी भी है। भाई साहब ये तो ट्रेलर ही ऐसे हो गया कि वाटर क्रॉसिंग के साथ को, ट्रेलर में वाटर क्रॉसिंग, बढ़िया। ट्रेलर में वाटर क्रॉसिंग, अरे वीडियो बनाना था। राम कैमरा लगा देते हैं, ट्रेलर में ही वाटर क्रॉसिंग हो गया। तो जैसे आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये जो है ग्रैवल टाइप रोड्स है, इसमें जो है कॉर्नर पे थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है, यहाँ पे आपको टायर जो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखो हमने भी जो टायर लिया है वो है 50-50, बट टिपिकली अगर देखोगे ये रोड पे चलाने के लिए यू नीड लाइक 70% ऑफ रोड टायर्स,
मतलब वो बटन प्रॉपर बटन वाला आता है ना वो, लेकिन प्रॉपर बटन में प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको जो है फिर रोड में आप चला ही नहीं पाओगे। आ गया और एक डाउन हिल। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स आपको मिल जाता है मनांग में। हाँ सब सब रिकॉर्ड होगा आज। ये तो ऐसा है रास्ता कि हर तरफ से मतलब हमेशा जो है कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। ओहो हो आ जाओ। मजे मजे यो। आहा मजा आ गया। जूतर के ऊपर से पानी गया। हाँ सही बात। चलो 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 राम चलो थोड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो आया 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 ठीक रहेगा ये। यार मेरा वाइजर बहुत तंग कर रहा है फॉग। अरे हेलमेट हटाने से ना राम के पीछे जाओगे पूरा पत्थर वत्थर आ जाता है राम। फॉग हो गया पूरा। यहाँ देख लो भाई लोग क्या पहाड़ी है ऊपर। देखो बर्फीले पहाड़ दिख गया। वाह वाह वाह। ओहो आगे टनल भी है। सही है। हाँ आया मैं आया। टनल के ऊपर से भी खड़े होके जाओगे इतनी ज्यादा शो ऑफ। ये क्या बात है क्या बात है। अरे नदीम भाई साहब आ जाओ। यो यो पावर स्टेशन है आ जाओ। टनल के अंदर आगे क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ग्लोव्स चेंज करोगे क्या। वाह 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 टनल के अंदर मस्त लाइटिंग किए हैं। इसके अंदर होंडा की ही आवाज आ रहा है। अरे रास्ता रास्ता खत्म। लुक्स लाइक दिस इज अ चाइनीज पावर हाउस क्योंकि थोड़ा चाइना में लिखा था वहां पे समझे। सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप है। देखो ऐसे सब एरिया में हो सकता है कि ब्रेकफास्ट हर जगह मिल जाए लेकिन अगर नहीं मिले तो इसलिए बेटर है कि जहाँ मिल रहे हैं वहाँ खा लेते हैं। बढ़िया सा जो है ब्रेकफास्ट हो गया। अब जो है फिर निकलेंगे राइड पे। आगे चल के बहुत सारा ऑफ रोड करनी है। मेरे बाइक में अभी भी दिखा रहा है 375 रेंज। ओके अगर बूट्स की बात करेंगे मतलब अपना जो राइडा की जो बूट्स है एक्सप्लोरर सीरीज अभी तक मुझे फील नहीं हो रहा कि पानी अंदर गया है। इतना सा जितना हमने जो वाटर क्रॉसिंग्स किया उसमें अब तो नहीं लग रहा है। ऊपर ऊपर से बस गीला लग रहा है बट अंदर नहीं गया है।
आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मतलब वही है कि वाटर रेजिस्टेंस होगा, वाटर प्रूफ तो डेफिनेटली नहीं है, कहीं पे भी मैंने देखा नहीं उनके स्पेक पे दावा किया गया है। सो हल्की फुल्की जो रेन राइड हो गया या फिर ये वाटर क्रॉसिंग से भी मतलब जैसे पानी लग के चला जाता है उसमें पानी निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। बट हाँ, अगर आप डीप वाटर में ऐसे चलते रहोगे या फिर कंटिन्यूसली पानी ऊपर ऊपर लगने लगा तब हो सकता है कि पानी अंदर जाएगा। बट एक चीज़ है यार, जूते इतना जो है कंफर्टेबल है बिलीव नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। कंफर्ट के मामले में मैं तो इसको 10 out of 10 दूंगा सच में। चाहे आप ऐसे राइडिंग के टाइम पे कंफर्ट बोलो या फिर आप चलने के टाइम पे, मैंने जैसे बताया ना कि यार जैसे आप लोग देखे कि पहले 2-3 दिन तो खाली चलना ही हुआ एयरपोर्ट या सब जगह पे। चलो हमारे साथी लोग आगे निकल गए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करेंगे और थोड़ा फास्ट जाएंगे। छोटे मोटे क्रॉसिंग्स ऐसे आते रहते हैं। बस क्रॉसिंग में एक चीज़ डेंजर हो सकता है SCB के लिए, वो है ग्राउंड क्लियरेंस, दैट्स ऑल, और कुछ टेंशन नहीं है। ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो हिट नहीं हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। या यस यस यस, मैं तो पूरा क्लच छोड़ के ही चलाता हूँ, मेरा आदत वैसी है। आगे ऊपर, अच्छा वो स्टेयर्स है कहीं ऊपर जाने के लिए। अरे जाना किधर है भाई साहब, यही होगा, हाँ यही है, हाँ। अरे वो ऊपर कहाँ जाते हैं, ऊपर क्या है, हाँ शहर है, ओके। आई होप मैं सही जा रहा हूँ, हाँ सही लग रहा है रास्ता। डाउनहिल क्या गियर है, फर्स्ट गियर, एंड जस्ट लीव द क्लच, पहले से लेकर रास्ता बना दो कि जाना किस तरफ है, नहीं तो ट्रबल में आ जाओगे एंड मोमेंट पे डिसाइड करने से। ये अरे आराम से जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। सेकंड गियर, थोड़ा सा विजन जो है ना आगे रखने से सब सही जाएगा, इमीडिएट नीचे देखने से डिफिकल्ट होगा। भाई ट्रेकर लोगों को मानना पड़ेगा यार, आई थिंक जो ट्रेकर गाइड्स होते हैं ना या फिर जो लगेज कैरी करते हैं उनको तो पूरा मानना पड़ेगा। यही रास्ता है ना भाई साहब, ये तो पत्थर वाले रोड है, पत्थर वाले रोड एंड अपहिल। मेरा लगेज भी पीछे चला गया, उससे पता चल रहा है कि कितना स्टीप है। देखो एक बात तो है कि यार यहाँ के लिए ना आपको एक रिलायबल मोटरसाइकिल डेफिनेटली चाहिए, तो उस हिसाब से होंडा कोई कमी नहीं छोड़ती है भाई। पूरा धड़धड़ 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 खटखड़, बड़ा बड़ा पत्थर वाले रोड है, पत्थर पत्थर से रोड। अरे जाना कहाँ है, इसी तरफ जाना है ना। मनंग यही है ना, मनंग यही है, ये कितना किलो है वजन, 30 kg, बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, थैंक यू। 30 kg भाई साहब उठा के चल रहे हैं, मानना पड़ेगा। ट्रैकर लोग आते हैं आराम से ऐसे छोटे छोटे बैग पकड़ के आगे चलते रहते हैं एंड उनका सामान ये लोग लेते हैं, ठीक है इनके काम वही है। बहुत सारे ट्रिकर्स हैं यार। अरे 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 अरे, 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 अरे।
गुड मॉर्निंग। हेलो, सेकंड गियर पे चढ़ रहा। ओह, सॉलिड पत्थर वाला रोड है, बस केयरफुल रहना है, गाड़ी को डैमेज नहीं करना है। सही है, इजी पीजी, यू नो, थोड़ा सा क्रॉसिंग है, छोटा वाला क्रॉसिंग। ओह, छोटा वाला क्रॉसिंग पूरा गीला कर दिया। डीप है एक्चुअली वाटर, मतलब बीच बीच में ना डीप है, पता ही नहीं चलता है। ये सब पिकअप से यहाँ चलता है, फोर व्हील ड्राइव वाला बोलेरो पिकअप, महिंद्रा पिकअप। ये क्या लिखा है, ऑफ रोड ट्रैकिंग, ट्रैकिंग ट्रेल मनंग। अच्छा, वो ट्रेल के लिए है, ये बाइक वाइक के लिए शायद। पूरा पत्थर वाला रोड है भाई। पत्थर को सेट करके कर दिए। अरे अरे, ये तो गड्ढा है भाई, आई होप कि नहीं लगे। हाँ, नहीं लगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत होगी कि नहीं, देखो सो फार तो नहीं लगा है, जैसा आप देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर वाला है। देखो, आपको थोड़ा सा अच्छा रूट सिलेक्ट करना है, और वो थोड़ा पहले से फर्स्ट गियर में जा रहे, कोई टेंशन नहीं है। क्या मस्त सा वाटरफॉल है, वाव, अमेजिंग अमेजिंग। मजा आ गया, अमेजिंग, बढ़िया लग रहा है। यस, ये सब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि शायद पहले पहले ये सब कोई क्रॉसिंग वॉसिंग होगा, वाटर क्रॉसिंग जैसा। अरे राम, रुको, कैमरा तो झुक गया है, रुको रुको राम, कैमरा लगाएंगे, झुक गया है कैमरा। ओहो भाई साहब, पत्थर पत्थर। राम, कैमरा ऑन नहीं हुआ। राम, नैरो ट्रेल है। ओह शिट, अभी लगा थोड़ा, मुझे लग रहा है मेन स्टैंड जो है लग रहा है। राम, कैमरा ऑन नहीं है। चलो ठीक है, अलग ही लेवल है भाई ऑफ रोड। आई 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 आई, गलत ट्रैक। कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। आई हो रहा है तब से, आगे हिमालयन, पीछे सीबी, एकदम जबरदस्त चढ़ाई हो रहा है। मेरा पूरा सेकंड गियर पे चल रहा है। फर्स्ट गियर पे थोड़ा ज़्यादा टॉर्क हो जाता है ना, फील स्पिन ज़्यादा होता है।
सही है सही है। वाह क्या मजेदार है यार, अमेजिंग। क्या मस्त साउंड आ रहा है ना बाइक से, धुक 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 करके। हो टायर सही नहीं रहने से ना वाट लग जाएगा टायर का सच में। वाह मज़ेदार। बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न होता है ऐसे ऑफ रोड में। अब फर्स्ट गियर करना पड़ेगा आई थिंक सो, लेट्स सी। क्या टॉर्क है यार सीबी में, अच्छा ही तो है टॉर्क। क्या लोग बोलते हैं कि टॉर्क नहीं है पावर नहीं है, क्या देखो कैसे स्टीप क्लाइंब्स, देखो सेकंड गियर पे चढ़ रहा है। राइडिंग स्टाइल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है सच में। अब तो बाइक है निकल जाएगा बस। अभिजीत फोटो ले सकते हो, पॉसिबल कम हियर। स्टीप डाउन हिल है, फर्स्ट गियर लगाएंगे और छोड़ देंगे ठीक है, इस तरह से छोड़ दिए क्लच। अरे गाड़ी आ रहा है, अगेन डाउन हिल, ये सब चढ़ेंगे हम लोग आने के टाइम पे। फर्स्ट गियर बस छोड़ दो क्लच, और कुछ करना नहीं है, पूरा डाउन हिल है। अच्छी बात यह है कि बैठ के भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर पीछे भी वेट शिफ्ट कर पाओगे तो वो भी चलेगा, लेकिन हमारे पीछे लगेज है तो बहुत ज़्यादा वेट पीछे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी ठीक है यार। क्या है देखो बहुत स्टीप डाउन हिल है, लेकिन टेंशन नहीं है। अब आगे आगे चल के क्या होगा, थोड़ा हम लोग हाइट चढ़ेंगे तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट हाँ दिस इज़ गोइंग टू बी अ नाइस क्लाइंब अप हिल वाइल्ड रिटर्न। रिटर्न पे मज़ा आएगा ही, कितना सारा पत्थर वत्थर भी है ना, सॉलिड मज़ा आने वाला है आने के टाइम पे। कितना बढ़िया कंट्रोल कर रहा है देखो, इंजन ब्रेकिंग सॉलिड है इस बाइक पे। अब ये देखो बहुत ज़्यादा स्टीप है एंड देन रोड कंडीशन भी बहुत अच्छा है ना, तो उसमें क्या होगा गाड़ी बहुत तेज़ भागेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा हल्का जो आपको ब्रेक यूज़ करना है, हल्की हल्की ब्रेक। हाँ विल गो देयर, वहां जाके फोटो लेंगे। राम फोटो फोटो वीडियो। यस मनांग ये सब जगह पे क्या होता है ना, जब क्लाइम्स आता है ना पूरा ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, मतलब लंबा वाला होता है पूरा। ये देखो एक लंबा वाला चढ़ाई है, राम कैमरा बंद कर देंगे एक सेकंड, छोटा छोटा क्लिप्स ही है, सही है बस।
अच्छा जगह है देखो, वाह 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 अमेजिंग। बट यहाँ जो है टायर काम करेगा, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। सीरियसली देखो, ओ माय गॉड अमेजिंग व्यू, सीरियसली बढ़िया लग रहा है। डाउनहिल बंद करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक बैटरी मेरा खत्म हो गया, यूजुअली मेरा एक बैटरी पूरा दिन चला जाता है, अब तो मैंने जो है इसको पावर बैंक पर लगा लिया, मतलब तो मेरे पास एक बैटरी एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सेकंड गियर चलता है, लेकिन ऐसे जब अब जैसे हुआ तो कभी कभी फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। अगर मोमेंटम नहीं है तो ठीक है। लेकिन सच में टायर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर आपको ऐसे रास्ते आना है ट्रिप पे तो फिर टायर भी जैसे मैंने लगाया रहा इस मोटो की ट्रेलर, वैसे ही टायर लगा के आना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बाइक इधर उधर स्किड करती रहेगी, क्या ही चलाओगे। खोला ब्रिज, हाय बीच बीच में जंप कर जा रहा है। देखो ऑफ रोडिंग ऐसी है कि थोड़ा सा अगर आप ट्रेनिंग वेनिंग ले लेते हो ना, आपको मजा आता है, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, वो है बात। इजीली आप निकल जाओगे। छोटे छोटे स्ट्रीम्स बहुत है। अय्या एकदम डीप स्टीप डाउनहिल, डीप स्टीप सब बोल रहा हूँ। अब चढ़ाई है, या देखा तो ऐसे रूट आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत जगह जाओगे आप, फंस जाओगे, गाड़ी को भी डैमेज हो सकता है। अमेजिंग, कुछ कुछ जगह पे जो है सीमेंट वाले रोड बनाए, जहाँ ज़्यादा मेरे ख्याल से अपहिल स्टीप, वहाँ पे मेरे सामने कौन है, आई थिंक नदीम है। क्या हो गया, आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में करते हैं। अपहिल, हेयरपिन एंड ऑफ रोड सब मिला के है। आया क्या ये अभिषेक, जाओ नीचे
फ्रैक्शन नहीं मिल रहा था ना उसको। एकदम मजा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, टू मच ऑफ फन। अरे होंडा मस्त खींच रहा है यहाँ पे दुगु दुगु करके बुलेट स्टाइल में आ गया होंडा। रिफाइंड वाला बुलेट इंजन। हाँ मैं सही बात आ गया। अफिल अभिजीत देखो, अफिल को चीरते हुए निकल रहा है अभिजीत। क्या बात है, क्या बात है। अरे गाड़ी आ गया, गाड़ी पूरा पत्थर पत्थर है, देख संभल के। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाने से फुल स्पिन पूरा होता है। हाँ पूरा फिल, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि फुल स्पिन एक बार हुआ ना फिर चढ़ना मुश्किल, मोमेंटम से ही आना पड़ता है। बड़े पत्थर देख के बीच बीच में है, चैम्बर वैम्बर में लग जाएगा, लाइन पहले से चुन लो। राम का कैमरा ऑन करना पड़ेगा, इतना जो मेहनत यहाँ कर रहे हैं कुछ फुटेज भी तो आना चाहिए। हाँ अफिल, गया नहीं गया, उठा। होंडा तो एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, बीटिंग भी बहुत ले रहा है। अये शिट पत्थर लगा, देखते हैं क्या हुआ है, थोड़ा ऊपर ही देखना पड़ेगा यहाँ। हाँ देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हिट हो सकता है। डैमेज क्या क्या हो सकता है पहले एक बार नज़र कर लेंगे ताकि आइडिया तो रहेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जब पत्थर वत्थर में लगेगा तो क्या लगेगा। हाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे देखो थोड़ा एग्जॉस्ट लगा है एक पत्थर पे। ज़्यादा टेंशन नहीं है, इंजन बहुत ऊपर है, लगने वाला चीज़ एग्जॉस्ट लग सकता है और बाकी चासी और बैश प्लेट लगेगा। तो यहाँ पर एक पत्थर लगा, अभी कोई टेंशन नहीं है, एग्जॉस्ट ही है, चलेगा। वाह 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 वाह, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, सच में अमेजिंग। क्या हुआ, व्हाट लूज हो गया? क्या लूज हो गया? फ्लैट गार्ड। कौन सा गार्ड है, कि गिर गया? कौन सा बताओ। हाँ वो ऐसी है, नहीं वो निकल गया था, निकल गया था, निकल गया फिर से बैठ गया। ओ हो, आरी का पार्ट्स गिर जाते हैं चलाते चलाते, ये भी वही हो रहा है। अरे ये तो टूट ही गया नीचे से, ये देखो वो भी इधर भी गया। अब तो एक ही चॉइस है, निकाल के फेंकना।